लगाओ जीवन बचाओ, वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, लगाओ जीवन बचाओ। जी मूंगथला स्कूल की टीम देने जा रही है पेड़ पौधे, और देखिए कहाँ जाती है, कैसे जाती है। नंद किशोर जी प्रभारी हमारे वृक्षारोपण के, और ये टीम शेरों की टीम बड़ी बुलंदियों से पेड़ लगाती है। चलो चलते हैं, कहाँ चले अब हम पहुंच गए हैं हम मूंगथला में। जी मूंगथला राजीव सेवा केंद्र पंचायत, बच्चे ले रहे हैं कुछ एक पौधे, अपनी इच्छा से सेलेक्ट कर रहे हैं। जी दोस्तों, और ये सब पौधे लगेंगे मेरे अपने स्कूल में। बच्चों की टीम सेलेक्ट कर रही है कि कौन सा पौधा ले कौन सा नहीं, प्रभारी जी के निर्देशन में। हाँ देखिए इस तरह से पौधे डाले जा रहे हैं, और आज ही लगा देंगे क्योंकि मौसम है साथ देने के लिए तैयार। ना तो ज्यादा बरसात आ रही है और ना ही है ज्यादा सूखा। बच्चों हेलो करो। हाँ हमारे यूट्यूबर्स देख रहे हैं आप लोगों को कि बच्चों में देखिए कितना उत्साह है, कितनी खुशी है। मेरा स्कूल दोस्तों गांव का है, इसलिए विशेष आत्मीयता विशेष प्यार बच्चों का रहता है स्कूल के प्रति, स्कूल के कार्य के प्रति। देखिए और भी बहुत सारे पौधे लेंगे हम, और लगाते हुए पता नहीं आपको शेयर कर पाएं या ना कर पाएं। रीजन ये रहेगा दोस्तों क्योंकि वहाँ हम स्कूल में कुछ एक पढ़ाई करवाएंगे और ये बच्चे अपने आप लगा देंगे, और शायद वातावरण भी हो या ना हो कुछ वीडियो बनाने का, इतनी जोर से बोलने का। अब दीजिए दोस्तों इजाजत सुनीता शर्मा को। जय हिंद जय भारत। तो आप भी जरूर पेड़ लगा रहे हैं ना इस तरह से जैसे ये लगा रहे हैं। पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा, ये हमें याद रहे दोस्तों। बेटा ये कट्टों में भर लो और सीधे सीधे भरो, मेरे स्कूटर में है कट्टे, वहां से ले आओ कट्टे, ना स्कूटर की डिक्की में रखे। बड़े सारे पौधे ले लिए हैं हमने, बस बच्चे देखिए पौधे लगाने की तैयारी के लिए गड्ढे खोद रहे हैं, और वो मजाक करने लगे हैं क्योंकि इसमें से ईंटें निकल रही हैं और भी कई छोटे मोटे आइटम निकले, कई आइटम निकलते जा रहे हैं। तो बच्चे कह रहे हैं कहीं ये कोई पुरातत्व सभ्यता तो नहीं थी यहाँ, क्या कहना बच्चों आपका। अब मुस्कुरा दिए। देखिए अब ये गड्ढों की खुदाई कर रहे हैं भवानी जी, भवानी सिंह। चलो बेटा खोदो, जब तक ये पत्थर वत्थर नहीं निकलेंगे ना तब तक तो पूरी कोई मतलब नहीं है। देखो ये पुराने समय की ईंट है, आजकल ऐसी ईंटें नहीं है। हाँ देखिए आप ईंट को देखिए, आजकल ऐसी ईंटें कम देखने को मिलती। कितनी पक्की ईंट है भाई, कितनी पक्की, देखो बच्चों कितनी अच्छी तरह से पक्की हुई है। ये पहले की ईंटें, कोई रहा होगा कि यहाँ मकान वकान बना होगा कभी, कुछ होगा आदि आदि जो भी है। फ्रेंड्स यदि हम चाहते हैं कि हमारी धरती इतनी रंगीन हो जाए, इतने सुंदर सुंदर फूल खिले जैसे कि यहाँ खिले हुए हैं, तो बस इसके लिए कुछ करना तो होगा ही ना, तभी तो ये संभव होगा दोस्तों। चलिए इस बरसात को सूना न जाने दें, जहाँ भी जगह दिखे वहीं कुछ पेड़ लगा दें। जी दोस्तों जैसे कि हमने ये लगा रखे हैं सदाबहार के पेड़ पौधे। जी दोस्तों और साथ ही ये टिकोमा जी बेहद खूबसूरत है ना, बस इनको एक दो साल पहले ही हमने लगाया था और आज आते जाते ये सभी का वेलकम करती हैं। दोस्तों हम इस तरह से हर किसी को तोहफे नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा पर्यावरण बनाकर एक गिफ्ट जरूर दे सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, मैं सोचती हूँ अच्छी लगी होगी दोस्तों। और साथ ही जी ये देखिए
केली के पौधे, केना लीली के जी, केना लीली बल्ब से लग जाता है, बस कहीं से एक मिल गया और लगा दिया। आज लग रहे हैं बहुत सारे। इन फूलों की धड़कन आहा कितना कुछ कहती है। बस नज़दीक जाइए और कुछ निहारिए। और ये देखिए कनेर का पौधा, जी हाँ इसका फूल जरूर पॉइजनेस होता है, थोड़ा सा बच्चों से बचा करके रखिए, बाकी सभी कुछ अच्छा ही अच्छा है। अब दीजिए इजाज़त, जय हिंद जय भारत। अरे हाँ, हम तो बात करते करते भूल ही गए, कुछ बच्चों ने पौधे भी लगाए हैं स्कूल के अंदर, छोटे बड़े सभी ने। तो चलिए उनकी भी छोटी छोटी सी मैं फोटोज आपको दिखा देती हूँ कि बच्चों ने कैसे की है गार्डनिंग। जी दोस्तों, ये देखिए ये छोटे छोटे से बच्चे हाँ स्कूल में पौधे लगाने में मदद करते हैं, इन्हें आता है मज़ा। कुछ हम ले आते हैं और बस बच्चों के हाथ से रोपवा देते हैं ताकि उनमें भी एक संस्कार बने और वो भी सीखें और अपनी धरती से प्यार करना सीखे, अपने स्कूल से करना सीखे प्यार। जी हाँ दोस्तों।